हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आप पढ़ेंगे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लिखना है, इट इज़ फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, इट इज़ फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोन। अब फर्म का मतलब होता है आपका थोड़ा कठोर पार्ट, लेकिन बोन को छोड़ के आपके कनेक्टिव टिश्यू में सबसे हार्ड पार्ट आपका बोन होती है। ठीक है, बोन के बाद अगर आप किसी को देखते हो फर्म, तो वो आपका क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं। अदरवाइज़ बाकी तो आपके नॉर्मल थे सारे, इलास्टिक फाइबर और वो सारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती हैं। अब आपकी है मैच्योर सेल्स कार्टिलेज की, उनको आप क्या बोलते हो, और इमैच्योर कार्टिलेज सेल को आप क्या बोलते हो। ठीक है, दो टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। कोंड्रोसाइट्स मैच्योर सेल्स होती हैं कार्टिलेज की, और कोंड्रोब्लास्ट आपकी क्या होती हैं, इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स होती हैं। ठीक है, ब्लास्ट जिसके पीछे आ जाता है वो इमैच्योर सेल्स होती हैं, और साइट जिसके पीछे आता है वो आपको पता है मैच्योर सेल होती हैं। तो जो कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज़ होता है वो कोंड्रो वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब आपका इस टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो यहाँ पे हैं। दिस टिश्यू कंसिस्ट द कोंड्रोसाइट्स, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ये तीन चीज़ें हैं जो आपके इस टिश्यू के पास पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कार्टिलेज हैव नो ब्लड सप्लाई सो हील वेरी स्लोली। अगर कार्टिलेज के, ये आपके कार्टिलेजेस के अंदर इंजरी हो जाती है तो हीलिंग बहुत स्लो होगी, क्योंकि इनकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन थी कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब इसकी टाइप्स हैं कि कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितनी तरह के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे वीकेस्ट होता है और नंबर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट अबडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी आपका कौन सा होता है, मोस्ट अबडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी इज हाइलिन कार्टिलेज, और ये सबसे वीकेस्ट होता है। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ कैसा होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, देखिए ये सारे सेल्स हैं जिनको आप कोंड्रोसाइट्स बोलोगे। ये कोंड्रोसाइट्स एक नेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसको आप सेल नेस्ट बोलोगे, और सेल्स के बाहर का जो भी आपका स्पेस बच गया वो आपका फील्ड होगा। किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से, और मैट्रिक्स में आपके क्या क्या आते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। तो उनसे ये आपका टिश्यू क्या होगा, यहाँ पे एनक्लोज्ड होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आपका डायग्राम हो गया, सबसे वीकेस्ट होता है, अबडेंट होता है। अब ये कि कहाँ कहाँ पाया जाता है हाइलिन जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का कुछ पार्ट आपका हाइलिन कार्टिलेज बनाएगा। ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स होती हैं उनमें भी आपका ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। आपकी जो ब्रोंकाइज होती हैं उनके अंदर भी यही कार्टिलेज होता है। एंटीरियर जो एंड होते हैं रिब्स के, आपकी जो रिब्स हैं उनके एंटीरियर एंड पे भी आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। नोज़ के टिप के ऊपर भी आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। मोस्ट ऑफ द फिटस बच्चे का जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपका हाइलिन कार्टिलेज से ही बना होता है। ठीक है, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना है, ये सारी प्लेसेस लिखनी है, और ये वीकेस्ट होता है ये लिखना है। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका फाइब्रोकार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है, इट कंटेन द कोलेजन फाइबर। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन द कोलेजन फाइबर सो इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये कहाँ कहाँ पे आपका पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपकी वर्टिब्राज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उनके बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो आपका फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है, और आप उस कार्टिलेज को यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्राज के बीच में जो डिस्क होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। नेक्स्ट है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस के अंदर आपका कौन सा ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो फाइब्रस कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर आपने क्या बना के आना है। ये आपका फाइब्रो कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर आपने पता है कोलेजन फाइबर होता है, उसी की वजह से ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये कोंड्रोसाइट्स होंगी आपकी सेल्स होंगी, और जो मैट्रिक्स ये सारी सेल्स हैं, और जो बीच का मैट्रिक्स है वो आपका कोलेजन फाइबर फिल करेगा। ठीक है, तो इस कोलेजन फाइबर की वजह से ये टिश्यू सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और प्यूबिस सिम्फाइसिस में। ठीक है, लास्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू बचता है वो आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब इलास्टिक जैसा इसका नाम है तो ये इलास्टिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और क्या है इसके अंदर, इट कंटेन द इलास्टिक फाइबर। ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और उन्हीं की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। अब इसके फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू अ स्ट्रक्चर।
ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा उस एरिया को या उस जगह को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लाइक द एक्सटर्नल ईयर एंड द ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो है आपका, उसको पकड़ के देखो आप, उसको आप मूव कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल है, किसकी वजह से, इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। ट्यूनिका मीडिया आपकी क्या होती है, मिडल, आपकी जो ये आर्टरीज और वेन है उनकी मिडल लेयर होती है, ठीक है, ब्लड वेसल की मिडल लेयर होती है, वो भी अगर मतलब अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लेके आती है या वो फ्लेक्सिबल है, वो किसकी वजह से है, इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है, फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी का है, और क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हमने पढ़ लिया, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है इसका डायग्राम जो बचता है, ठीक है, तो इसके डायग्राम के अंदर आपने ये बना के आना है कि क्या होती हैं आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कि चारों तरफ आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। ये इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, आपके इस टिश्यू को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने इसके अंदर बनाना है, तीनों डायग्राम आपने देख लिए हैं, हाइलेन कार्टिलेज का भी, फाइब्रो कार्टिलेज का भी, और इलास्टिक कार्टिलेज का भी। तो विद डायग्राम आपने ये कार्टिलेजेस का टॉपिक कंप्लीट करना है। थैंक यू गाइज, यहाँ पे आपका कनेक्टिव जो टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम टिश्यू पढ़ेंगे वो मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।